ग्रेविटेशन क्लास 9 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंजेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ. पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए. सपोज करता हूं एक ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है. ये कोई ऑब्जेक्ट ए है और ये कोई ऑब्जेक्ट बी है. इसकी मास m1 मैं मान लेता हूं, इसकी मास मैं m2 कंसिडर कर रहा हूं. इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो मैं r एज्यूम कर रहा हूं. कह रहे हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को रिड्यूस कर देंगे हाफ हाफ कर देंगे आप, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में कितना चेंज आएगा. लेट ए एंड बी आर टू ऑब्जेक्ट्स having masses m1 and m2 and distance between them is r. ठीक है, तो ये फोर्स इस तरफ लगाएगा और ये फोर्स इस तरफ लगाया, ग्रेविटेशनल फोर्स. फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ मास m1 इंटू m2 अपॉन जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर. ठीक है, ये तो था फर्स्ट केस जब डिस्टेंस r था. अब आते हैं व्हेन डिस्टेंस बिकम्स हाफ. केस वन मानते हैं व्हेन डिस्टेंस बिकम्स हाफ. तो फोर्स क्या हो जाएगा, जी एम वन इंटू एम टू, पहले डिस्टेंस था आर, अब आर बाई टू हो जाएगा, ये हो जाएगा आर बाई टू होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल्स टू जी एम वन एम टू आर स्क्वायर, और ये फोर जो है ऊपर चला जाएगा इंटू फोर. अब देखिए चेंजेस कितना हुआ, पहले फोर्स क्या था जी एम वन एम वन इंटू एम टू बाई आर स्क्वायर, अब क्या हो गया फोर इंटू जी एम वन एम टू आर स्क्वायर. यहां पर लिखिए ग्रेविटेशन फोर्स फोर्स विल बिकम फोर टाइम्स विल बिकम फोर टाइम्स. आई होप क्लियर हो गया होगा. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ग्रेविटेशन क्लास एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड अ 1 केजी ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस. मास ऑफ अर्थ गिवन है आपको, रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है. मैं ज्यूम कर लेता हूं ये अर्थ है और इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है ये आपका रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा, ठीक है. इसकी मास 1 केजी है, तो ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा इनके बीच में, फोर्स इक्वल्स टू ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ होल स्क्वायर. ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.7 इनटू 10 टू द पावर -11. मास ऑफ अर्थ गिवन है आपको 6 इंटू 10 टू द पावर 24. मास ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 1, तो 1 डाल देंगे यहां पे. रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, तो इसका स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते 6.7 इंटू 6 10 टू द पावर 24 10 टू द पावर -11 जी कलर 10 टू द पावर 13 अपॉन 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 12 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है. तो एक स्टेप और सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 6.67 इंटू 6 इस 12 को आप ऊपर लेते जाइए तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 1 13 है या 12 है, तो 13 माइनस 12 1 अपॉन 6.4 इंटू 6.4. इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको 9.8. तो ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू क्या होगी आपको 9.8 न्यूटन. ये था आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
ग्रेविटेशन क्लास एंड क्वेश्चन नंबर 12 है. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ. व्हाट इज द वेट इन न्यूटन्स ऑफ अ 10 केजी ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ. 10 केजी ऑब्जेक्ट का 10 केजी कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मास उसकी, तो आपको अर्थ पे उसकी वेट निकालनी है और मून पे वेट निकालनी है उसकी. वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग जी भी कहते हैं, स्मॉल जी, ठीक है. तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ 10 केजी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ मास का गिवन है 10 केजी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है 9.8, दिस इज द जी इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच मीन्स 98 न्यूटन. वेट ऑफ 10 केजी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ. अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल्स टू 1/6 वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ मीन्स अर्थ पे जितना वेट होगा किसी ऑब्जेक्ट का मून पे 1/6 होगा. तो अर्थ पे कितना है 98/6 क्या हो जाएगा 49/3 16 3 is 48 16.3 16.3 that means 16.33 newton. ये वेट था 10 केजी ऑब्जेक्ट का मून पे और ये वेट था अर्थ पे. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ग्रेविटेशन क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 है. अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड. किसी बॉल को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं 49 मीटर पर सेकंड स्पीड से. कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट रेज. मैक्सिमम हाइट क्या होगा. सेकेंड द टोटल टाइम इज टेकन टेक्स टू रिटर्न टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ. मतलब ये बॉल थ्रो किया हो जाने और आने के समय कंबाइंड निकालना है आपको. देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है 49 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो, क्योंकि जब वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगी तो वो रेस्ट में आ जाएगी, फिर वापस फॉल करेगी वो, ठीक है. -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब आप पूछेंगे ये नेगेटिव क्यों होगा, तो याद रखिएगा जब मोशन अपवर्ड हो तो ये नेगेटिव होता है, जब मोशन डाउनवर्ड हो तो ये पॉजिटिव होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है. तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh. वहां पे as था यहाँ पे gh है, यहाँ पे एक्सेलरेशन g है और डिस्टेंस अगर मानते हैं, अगर हाइट मानते हैं h है तो h हो गया. v क्या है आपका 0, u क्या है 49 प्लस 2 इंटू -9.8 इंटू h, ठीक है. इसको से उस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 9.8 इंटू एच इक्वल्स टू 49 इंटू 49 H equals to 49 into 49 upon 2 into 9.8. इसमें से मैं डेसिमल हटा रहा हूं, यहां पे 10 डाल रहा हूं, ठीक है. 49 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 98, 2 से 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ठीक है. तो 49 into 5 क्या हो गया 49 into 2.5, ठीक है. तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 22.5 मीटर. तो मैं हाइट कितनी हो गई 122.5 मीटर. ये था आपका फर्स्ट पार्ट. अब आता सेकेंड पार्ट पे. आपको निकालना है, आप पहले समझ लीजिए ये अर्थ सरफेस है, हमने ऑब्जेक्ट फेंका, उसके जाने का टाइम
और उसके आने का टाइम। अगर मैं ज़ूम करता हूँ उसको जाने में लगता है t1 टाइम, आने में लगता है t2 टाइम, तो t1 प्लस t2 निकालना है आपको, ठीक है। अब देखिए v0 है, अब हम यूज करेंगे v इक्वल टू u प्लस at का। यहाँ पे at नहीं gt होगा क्योंकि यहाँ पे एक्सेसिव ड्यूरेशन गारंटी क्या है, g है, इसलिए a के जगह मैं g यूज कर रहा हूँ। v0 है, u पता है 49 है आपको, प्लस g है -9.8 ऊपर की ओर जा रहा है इंटू टी, तो उसको तो इसको आप इस तरफ लिया 9.8t = 49, t = 49/9.8, इसको मैं हटा करके यहाँ पे 10 डाल रहा हूँ, 49 2 98 2 5 5, तो t1 5 सेकेंड, जाने में कितना लग रहा है टाइम 5 सेकेंड। एक चीज और ध्यान रखिएगा, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों ही इक्वल होता है, मीन्स अगर कोई बॉल थ्रो करते हैं आप तो उसको जितना टाइम लगेगा वो मैक्सिमम हाइट पहुंचने में सेम टाइम लगेगा उसको नीचे आने में। ध्यान रखिए, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, अगर स्पेलिंग गलत हो सही कर लेना आप, टाइम ऑफ एसेंट मीन्स तो टोटल टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन टू रीच सरफेस ऑफ अर्थ तो टाइम ऑफ एसेंट 5 है, टाइम ऑफ डिसेंट 5 है, दैट मीन्स 5 + 5 विच इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन 14 है, अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, कैलकुलेट इट्स फाइनल स्पीड। कोई टावर है जिसकी हाइट है 19.6 मीटर और यहां से कोई स्टोन रिलीज हुआ, ठीक है, दैट मीन्स u इक्वल टू 0, हाइट इक्वल टू 19.6, ठीक है, मैं क्या निकालना v, g क्या होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि g क्या है, मोशन क्या है, डाउनवर्ड है, तो v स्क्वायर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2gh, u क्या है 0, 2 इंटू जी क्या है 9.8 और h क्या है 19.6, वी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इंटू 9.8 19.6 हो जाएगा, 19.6 इंटू 19.6 तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 19.6 होल स्क्वायर, देयरफॉर v इक्वल्स टू अंडर रूट 19.6 होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल्स टू 19.6। ये हो गया होगा स्पीड, क्या होगी 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चालीस लीजिए, फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, तो स्टोन है इसको ऊपर की ओर फेंका गया 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड से वेलोसिटी से, टेकिंग जी पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे जी गिवन है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, मैक्सिमम हाइट स्टोन कितना दिख रहा है, वॉट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। सपोज ये अर्थ सर्फेस है, यहां से आपने एक स्टोन फेंका, सपोज करता हूं कि मैं ये हाइट h तक रीच किया, ठीक है, आपको पहले ये निकालना है हाइट कितनी है, किस स्पीड से फेंका गया है 40 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल स्पीड क्या होगी 40 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और उसके बाद वो नीचे आने लगता है, g क्या होगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वाई बिकॉज मोशन क्या है अपवर्ड है, तो v स्क्वायर कुछ फॉर्मूला क्या होता है u स्क्वायर प्लस 2gh
यहाँ पे 2as था वहां पे gh लग गया, यहाँ पे एक्सेलरेशन था, यहाँ पे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है, वहां पे डिस्टेंस है, यहाँ पे हाइट है। p क्या है आपका, जीरो स्क्वायर u 40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस, ये 10 गिवन है आपको, 9.8 नहीं, क्वेश्चन नहीं गिवन है 10 है तो 10 लेंगे हम, इंटू हाइट h है। ठीक है, इसको इधर लेते हो क्या हो जाएगा, 20h इक्वल्स टू 40 स्क्वायर, h इक्वल्स टू 40 इंटू 40 अपॉन 20, 20 से कर दें तो क्या हो जाएगा ये 80 मीटर। ठीक है, तो क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट रीच बाय स्टोन, मैक्सिमम हाइट बाय स्टोन इक्वल टू 80 मीटर। नेक्स्ट क्या निकालना है आपको, नेट डिस्प्लेसमेंट, मैंने ऑब्जेक्ट को थ्रो यहां से किया था, ये यहां पे गया वापस फिर यहां पे आया, मतलब पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो, नेट डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड हाइट कितनी आई थी 80, तो जाने में 80 और आने में 80, तो 80 प्लस 80, 80 प्लस 80 विच इज इक्वल टू 160 मीटर। इधर क्वेश्चन नंबर 15, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग। हे दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।